शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बताया जा रहा है कि शाहदरा जिले में 3 दिन पहले हुई 2 रॉबरियों में 3 बदमाशों की तलाश। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली शाहदरा के स्पेशल स्टाफ ने बदमाशों की एक गुप्त सूचना मिलने पर बैरिकेडिंग की। विवेक बिहार विवेकानंद महिला कॉलेज के सामने आज सुबह सवेरे 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 बदमाशों ने इलाके में आतंक मचा रखा था, स्नैचिंग और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर गाजियाबाद की तरफ से विवेक बिहार थाने की तरफ आ रहे थे। बैरिकेडिंग पर खड़े पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आगे से गोली चलाई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया और वह वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे धर दबोचा। बदमाशों की चलाई गोली पुलिस बैरिकेडिंग पर जा लगी और एक पुलिस वाले की लाइफ जैकेट पर लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को हॉस्पिटल भेज दिया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छवि जी, अक्सर यहाँ पुलिस जो है, आज पुलिस ने एक इनकाउंटर किया है, जो लोग बदमाश यहाँ पर आम जनता के साथ लूटपाट करते थे उनका पुलिस ने इनकाउंटर किया, कितना उचित मानते हैं इस तरह की कार्रवाई को? सही है ये तो कैसे महसूस करते हैं आप, क्योंकि आप लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, आज आपके हाथ में कोई मोबाइल नहीं है या किसी तरह की, तो क्या कारण है, क्यों छोड़ दिया इस तरह? इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि क्या वो चोर वगैरह की वजह से, अपने इसी वजह से अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये सब किया आपने। आपका नाम? मेरा नाम जगदीश है। जगदीश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सामने जिलमिल में रहता हूँ। तो आप क्या रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। तो क्या देखा आपने जब आप मैं जो आया तो मैं जब इधर की तरफ आ रहा था, बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, कोई बदमाश उमाश तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि पुलिस वहाँ से बैरिकेडिंग लगी थी तो मैं वहाँ से वापस चला गया बस। तो मतलब पुलिस कितनी संख्या में पुलिस? काफ़ी थी। हाँ। जिस तरह से जानकारी मिल रही होगी वारदातें अक्सर हो रही थी, तो पुलिस का जो ये काम है कितना अच्छा मानते हैं आप इसका? बहुत अच्छा था, तो त्वरित था, बैरिकेडिंग थी और अच्छा था कि सुबह सुबह कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-5 लोग सड़क पर घूम रहे होंगे, बहुत अच्छा था, कोई पुलिस का बहुत अच्छा इंतजाम था। थैंक यू सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।